ओम नमो शिवाय। शीशा किस दिशा में लगाना चाहिए? शीशा आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि शीशा आप किस दिशा में लगाएं, लेकिन ध्यान रखें जहां आप सोते हैं, आपका सोने का कमरा है, यदि वहां शीशा लगा है तो शीशा जिधर आप सिर करके सोते हैं उस दीवार पर शीशा लगा सकते हैं, उसके दाईं ओर भी आप शीशा लगा सकते हैं, बाईं ओर भी शीशा लगा सकते हैं, पर जिधर आप पैर करके सोते हैं पैरों की तरफ शीशा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा अशुभ होता है। आइए जानते हैं झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए। नंबर एक, झाड़ू भी कभी भी जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए, वहाँ झाड़ू रखने से पति पत्नी में अनबन बनी रहती है। नंबर दो, झाड़ू कभी भी ड्राइंग रूम या जहाँ सोफ़ा वगैरह लॉबी वगैरह होती है वहाँ भी नहीं रखनी चाहिए, वहाँ झाड़ू रखने से भी सास बहू में अनबन बनी रहती है, घर में क्लेश होता है, झगड़े बने रहते हैं। नंबर तीन, किचन में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, किचन में झाड़ू रखने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो इसलिए किचन में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सबकी नज़र से बचा के छुपा के रखना चाहिए, ऐसी जगह रखें कि झाड़ू को लिटा के हमेशा रखें, झाड़ू पर किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू पर अगर कभी गलती से आपका पैर लग जाए तो तुरंत झाड़ू के पैर छूने चाहिए, झाड़ू भी लक्ष्मी जी का रूप होता है, तो इस तरह से आपके घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे ही उपाय जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। ओम नमो शिवाय।